नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम। देवकृत 14 अतिशय कौन से होते हैं तीर्थंकर भगवान के, उनका वर्णन था। तो महावीर स्वामी के विषय में लिखा, सार्वार्ध मागधीया भाषा भवति। कोर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है सार्वार्ध मागधी का? तो बोल रहे हैं अर्धम भगवत भाषया, आधा तो भगवान की भाषा से उपदेश होता है, और मगध देश भाषात्मकम। महावीर स्वामी के विषय में कह रहे हैं मगध देश की भाषा रूप होता है आधा आधा। और ये जो मागधी भाषा थी, ये प्राकृत भाषा का ही एक भेद था, क्योंकि प्राकृत अनेक प्रकार की होती है, और उन प्राकृतों में एक तो मूल प्राकृत है, फिर एक शौरसेनी प्राकृत है, एक महाराष्ट्रीय प्राकृत है, एक मागधी प्राकृत है, और एक पैशाची प्राकृत है। विभिन्न प्रकार की प्राकृत भाषा है, और उन पांचों प्राकृतों के मेल से ये जैन प्राकृत बनी है। उसमें जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी जो थे, उनकी भाषा अर्ध अर्ध मागधी कह रहे हैं, क्योंकि आधी जो थी वो सर्वभाषात्मक थी। तो जिनको जिस भाषा में समझ में आता था, उनके कानों में देवगण उनकी भाषा में ही भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनाते थे। वो ये कार्य कैसे करते थे, उस तकनीक का आज शास्त्रों में अपने पास वर्णन उपलब्ध नहीं है। जैसे लिंग्विस्टिक कंप्यूटर्स होते हैं, तो उसमें अनेक भाषाओं में वो कन्वर्ट हो जाती है, एक भाषा अनेक भाषाओं में रूपांतरित हो जाती है। आप जैसे आप सिलेक्ट करते हैं स्पेनिश, अगर आप सिलेक्ट करते हैं स्पेनाउल, तो फिर वो उस टाइप से कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप कन्नड़ भाषा सिलेक्ट करते हैं तो कन्नड़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा रहता वो, लेकिन वहां पर वो देवलोग कैसे करते थे पता नहीं, क्योंकि देखो हो सकता है एक मनुष्य जो वहां पर बैठा हुआ है वो महाराष्ट्रीय भाषा वाला हो, और एक जो बैठा है वो गुर्जर भाषा वाला हो या सौराष्ट्रीय भाषा वाला हो। तो तीनों पास पास बैठे हुए हैं, और तीनों को भगवान की दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही है, लेकिन वो मगध देव जो होते हैं वो उस दिव्य ध्वनि को उनके कानों में उनकी उनकी भाषाओं में रूपांतरित कर देते हैं। अब आपको सुनकर के सिर चकरा रहा होगा, इसी का नाम तो अतिशय है, कि जिसको देखकर और सुनकर दिमाग चकरा जाए और समझ में ना आए कि ये सब कैसे हुआ। आश्चर्यकारी जो घटना होती है, होती तो कारण कार्य विधान से ही है, सिद्धांत से विरुद्ध कोई घटना नहीं होती, लेकिन जो असाधारण घटना होती है, सामान्यतः जो घटना कभी मिलती नहीं अपने को देखने, वो अतिशय कहलाती है। उसको आज वर्तमान में बोलचाल की भाषा में चमत्कार भी कहते हैं। कुछ लोग एकदम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके जो ऐसा समझ लेते हैं कि हमने जैन धर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, वो कहते हैं कि जैन धर्म में कोई चमत्कार फमत्कार नहीं होता उधर। अरे भले मानुष, जैन धर्म में चमत्कार नहीं होता ऐसा कहने वालों से केवल इतना ही पूछा जाता है कि तीर्थंकर के जो 34 अतिशय है, क्या वो चमत्कार नहीं है? अपन अगर वास्तव में इनको पूरा समझ ले अच्छी तरह से, तो अपन ये कह सकते हैं कि इनसे बड़े कोई चमत्कार नहीं है संसार में। सबसे उत्कृष्ट अगर आपको अतिशय देखने हो, तो फिर जिन शासन में मिलेंगे आपको, अब वो रिद्धिधारी जो साधु है, 64 रिद्धियों का जो वर्णन है उसमें देख लीजिए आप, क्या वो अतिशय नहीं है? जिसे एक अघोर गुण ब्रह्मचर्य और एक घोर गुण ब्रह्मचर्य, ये दोनों भिन्न भिन्न रिद्धियां हैं, और अघोर गुण ब्रह्मचर्य रिद्धि में तीन भेद हैं, बहुत विस्तार है इनका, रिद्धियों का।
अब उनको अगर आप देखें तो वो मुनिराज जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं वहां से योजनों की दूरी तक कोई सात व्यसन नहीं कर सकता। इससे बड़ा चमत्कार हो सकता है क्या? देखो हम कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं, आज के जो साइंटिफिक रिसर्चेस हो रहे हैं, वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने 32 वर्षों तक कॉन्शियसनेस कैलिबर पर रिसर्च किया और उन्होंने ये बताया कि शराब का नशा यानी अल्कोहल वाइस 540 की एनर्जी जिसके पास है वही टूट सकता है। 540 से नीचे वाली जो एनर्जी है वहां शराब का नशा नहीं टूटता। नियम देकर छुड़ा देना एक अलग बात है, ऑटोमेटिक छूटने की बात चल रही है यहां पर। और वो एक रिद्धि के धारक जो साधु हैं, अघोर गुण ब्रह्मचर्य, वो किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई उनके पास नहीं आ रहा है, वो सिर्फ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और उनसे योजनों की एक परिधि में सब शराब आदि सारे व्यसनों का त्याग कर देते हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? डॉक्टर डेविड हॉकिंस कहता है, वो डॉक्टर डेविड हॉकिंस कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट इंपॉसिबल घटना है। कार्ल यूंग, सिगमंड फ्रॉयड वगैरह जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके पास कई महीनों तक लोग रहे हैं शराब छोड़ने के लिए, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक भी उनकी शराब को नहीं छुड़ा सके। क्यों नहीं छुड़ा सके? बोले कि उनकी एनर्जी या तो 499 थी, जो लॉजिक में एनर्जी जो होती है मैक्सिमम 499 तक जाती है, कॉन्शियसनेस कैलिबर सीसी बोलते हैं उसको, और उससे ऊपर जाने वाली एनर्जी 100 लोगों में एक के पास होती है। 500 की एनर्जी 100 लोगों में एक के पास होती है, और 540 की एनर्जी तो मोस्ट रेयर, लगभग असंभव है, बहुत कम लोगों के पास हो सकती हो। तो वो रिद्धिधारी साधुओं की जो रिद्धियां हैं क्या वो अतिशय नहीं है? श्री गौतमस्य या मुद्रा तस्या या भुवि लब्धय ताभिरद्भ्यधिक ज्योतिरर्हन् सर्वनिधीश्वर। और गौतम स्वामी के पास तो कितनी रिद्धियां थी, तिलोय पण्णति में गणधर की 84 रिद्धियों का वर्णन है। तो उन 84 रिद्धियों के धारी जो गणधर हैं उनसे भी अधिक प्रकाशमान सर्व निधियों के ईश्वर जिनेंद्र भगवान है। क्या जिनेंद्र भगवान अतिशय रहित हो सकते हैं? कभी नहीं। तो सबसे प्रधान चमत्कार, सबसे बड़े चमत्कार जिनेंद्र भगवान के पास होते हैं। इसलिए ऐसा कभी भी भूल कर अपन न बोले कि जैन धर्म में चमत्कार का कोई स्थान नहीं। ये जो छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वाले जो मामूली लोग होते हैं उन चमत्कारों का कोई महत्व नहीं है, ऐसा बोलो। चमत्कार नहीं होते ऐसा बोलने का अधिकार ही नहीं है आपको। आपके पास है ही कितना ज्ञान? अभी जो अपन पढ़ रहे हैं शास्त्र से वो तो महानतम चमत्कार है, ऐसे अतिशय कहीं हो ही नहीं सकते किसी। तो सर्व भाषा रूप हम ये बताना चाह रहे हैं कि वहां पर असंख्यात श्रोता बैठे हुए हैं, समव शरण में 12 कक्ष है वहां पर। उन 12 कक्षों में मुनिराजों का स्थान, केवलियों का स्थान एक साथ है, अलग है वो। समव शरण में केवल ज्ञानी अरिहंत भी होते हैं, तीर्थंकर के समव शरण में बाहुबली भगवान को, जब वो केवल ज्ञानी हो चुके थे, सबसे पहले वो आदिनाथ भगवान के समव शरण में आकर उस कक्ष में रुके, फिर उन्होंने संपूर्ण आर्यखंड में विहार करके धर्म की प्रभावना की और अंत में कैलाश पर्वत पर जाकर मोक्ष प्राप्त किया। ये वर्णन महापुराण में है, हरिवंश पुराण में भी है कि वो समव शरण में आए, ये वर्णन हरिवंश पुराण में, कैलाश पर्वत से मोक्ष गए ये महापुराण में।
फिर दूसरा कक्ष होता है कल्पवासिनी देवियों का। ऐसे क्रम से कक्ष बनते हैं, श्राविकाएं, आर्यिकाएं, फिर मनुष्यगण, तिर्यंचों का भी एक स्थान होता है। एक व्यवस्थित क्रम में वो पूरा वर्णन है कि कौन कौन से कक्ष में कौन से जीव होते हैं, उनका वर्णन व्यवस्थित क्रम से दिया हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज इस एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में भी कोई ऐसा यंत्र है क्या? आज हेडफोन्स लगाकर सबको अलग अलग सुना देना अलग बात है, और उसमें डिफरेंट सॉकेट्स में लगा लगा करके या फिर अलग अलग सेटिंग्स करके करना। पर आप सोचो, 18 महाभाषा है, 700 लघु भाषा है, और फिर तिर्यंचों की न जाने कितनी भाषा है। इन सर्व भाषा रूप भगवान की वाणी देवलोक परिवर्तित करके, वाणी में क्षमता परिवर्तन की है, लेकिन वाणी अपने आप परिवर्तित नहीं हो रही है। जैसे चावल के दाने में भात बनने की ताकत है, पर कभी किसी ने देखा कि पीपे में रखे हुए चावल के दाने अपने आप भात बन गए हो? मिट्टी में क्षमता घड़ा बनने की है, पर कभी किसी ने देखा कि खेतों में अचानक सवेरे सवेरे घड़े घड़े भरे हुए मिले हो? नहीं होता ऐसा। कोई बलाधान अपेक्षित होता है, जिसको कहते हैं बहिरंग निमित्त। तो दिव्य ध्वनि में सर्व भाषा रूप परिणमन करने का गुण है। सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य, भक्तावर में अपन पढ़ चुके हैं 35वें काव्य की चौथी पंक्ति में। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। उसमें प्रयोज्य है वो, उसके अंदर क्षमता है दिव्य ध्वनि में, लेकिन मात्र क्षमता से कार्य नहीं होता, बलाधान की अपेक्षा होती है। ऐसा जैन सिद्धांत कहता है। जैन कारण कार्य विधान में यही बताया गया है कि गुरु ज्ञान उसको देते हैं जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता हो। इसलिए उधर से भी अभिमान नहीं हो सकता, इधर से भी नहीं हो सकता। गुरु भी नहीं कह सकते कि मैं किसी को भी ज्ञानी बना दूंगा, और शिष्य भी नहीं कह सकता कि सब कुछ गुरु ने किया है, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, ऐसा नहीं कह सकता। उसने भी कुछ मेहनत की है। वो अगर आलसी होता तो कुछ नहीं सीख पाता गुरु से। दोनों बातें हैं, निमित्त और उपादान। अब अगर कोई कहे कि, जैसे मान लो कोई रसोई बनाने में बहुत कुशल हो, पाक कला से संपन्न हो, वो कहे कि मैं, तुम साधारण सी वस्तु ला करके बताओ तो मैं एकदम रेसिपी तैयार करके बता देता हूं। मैं खिचड़ी जो बनाता हूं, मैं पुलाव जो बनाता हूं, और मैं अन्य जो चावल के जो पकवान बनाता हूं, मुझे अवार्ड्स मिल चुके हैं, मास्टर शेफ की मुझे उपाधि मिल चुकी है। तो अंदर ही अंदर अगर वो ऐसा सोचता, बोलने में तो थोड़ा लज्जास्पद होता है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर अंदर ये ऐसा सोचे तो फिर उससे कहा जाए कि ये लो रेत, इससे तुम खिचड़ी बनाकर बता दो, तो क्या कहेगा वो? पागल हो गए हो क्या? चावल ला करके दो, क्या अर्थ हुआ इसका? कि खिचड़ी बनने की जिसमें क्षमता है उसी से खिचड़ी बनती है। उसी प्रकार देवलोक किसी की भी वाणी को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। दिव्य ध्वनि में वो क्षमता है सर्व भाषा रूप परिणमन करने की, इसीलिए वो मागध देव आकर के। वो कैसे करते हैं वो किसी को पता नहीं चलता,
वो तो जो देवगति के देव हैं उनको सब विक्रियाओं का ज्ञान होता है तो वो जान सकते हैं, लेकिन बाकी सामान्य जीवों को वहां पता नहीं चलता। और उस समय कौन उत्तर ध्यान देगा? उस समय तो सब भगवान की ओर तन्मय होकर के दृष्टिपात करते हुए उनकी दिव्य ध्वनि सुनते हैं। कल्याण मंदिर सूत्र में तो लिखा है कि दिव्य ध्वनि सुनते समय ऐसा लगता है जैसे मयूर मेघ की ओर दृष्टिपात कर रहा हो। मोर बादलों की गड़गड़ाहट से बहुत प्रसन्न होता है और उस आवाज को सुनकर वो यहां से ट्यां ट्यां आवाज करता अपनी। तो ऐसे ही हम भव्य जीव भगवान की दिव्य ध्वनि तो मेघ गर्जना के समान होती है, गंभीर होती है, बाज वाली होती है और एक योजन तक इक्वल सुनाई देती है, सम सुनाई देती है। पीछे वालों को कम वॉल्यूम नहीं होता, सामने वालों को अधिक वॉल्यूम नहीं होता, इक्वल वॉल्यूम में सबको बराबर सुनाई देती है। थोड़े इंग्लिश शब्द प्रयोग कर रहे हैं आज हम तो। ऐसी दिव्य ध्वनि को सबके कानों में उनकी भाषा में रूपांतरित करने का काम देवों का होता है, इसलिए देवातिशय में प्रथम अतिशय है सर्वार्ध मागधी भाषा। अब नेमिनाथ भगवान की कौन सी भाषा रही होगी? तो उनकी जो मातृभाषा है उसमें वो बोलेंगे और फिर बाकी सब भाषाओं में वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी देवों के निमित्त से। फिर इसी प्रकार आदिनाथ भगवान अयोध्या के थे तो अयोध्या की जो भाषा है वर्तमान में तो अपन अवधी भाषा के नाम से जानते हैं, तो अयोध्या की भाषा तो रही होगी उस काल में भी भगवान के काल में। मुनि सुव्रत भगवान भी राजगृही के थे तो उनकी भाषा भी मगध भाषा रही होगी, मागधी भाषा। और इसी तरह हस्तिनापुर वाले जो तीर्थंकर हैं शांति कुंतु अरनाथ भगवान, शंभवनाथ भगवान श्रावस्ती वाले हैं। फिर कंपिला नगरी वाले और काकंदीपुर वाले जो तीर्थंकर हैं, भद्रपुर वाले जो तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान हैं और रत्नपुरी जहां से धर्मनाथ भगवान हुए थे वो भी अयोध्या से लगा हुआ स्थान कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। अयोध्या के जो पांच तीर्थंकर हैं, सब तीर्थंकरों की जो जन्मभूमियां हैं वहां वहां के जो तीर्थंकर हैं वो वहां की मातृभाषा तो उनकी वही होगी ना। तो यहां पर यही वर्णन है, उपलक्षण से अपने को समझना, क्योंकि महावीर भगवान का वर्णन कर रहे हैं तो अपन अन्य तीर्थंकरों में भी जिस प्रकार यहां वर्णन है वैसा ही वहां पर भी अपने को लगाना होगा। भगवत भाषया अर्धम, दिव्य ध्वनि जो आधी वाणी होती है दिव्य ध्वनि वो भगवत भाषा में होती है, भगवान की वाणी में होती है। और वो भगवान की वाणी कैसी होती है? तो बोलते हैं मगध देश भाषात्मकम, मगध देश की भाषा रूप होती है महावीर भगवान के समय की। और पार्श्वनाथ भगवान काशी देश के थे, वाराणसी नगरी में उनका जन्म हुआ था, तो वहां की जो भाषा है बनारसी भाषा है, बड़ी सुंदर भाषा है, आदि भाषा बनारसी होगी भगवान पार्श्वनाथ की। इसी तरह अन्य अन्य तीर्थंकर भी हैं, चंद्रप्र भगवान भी हुए वहीं से, वाराणसी से, चंद्रपुरी वाराणसी में एक स्थान है ना गंगा तट से छुआ हुआ, बिल्कुल गंगा तट को छू रहा है वो स्थान, वहां पर चंद्रप्र भगवान का वो स्थान बना हुआ है, जिनालय भी है आज। इसी तरह सुपार्श्वनाथ भगवान जो है भदैनी घाट है, भद्रावनी, संस्कृत में भद्रावनी, समंत भद्र स्वामी की जो अवनी थी वो भूमि थी वो भद्रावनी, और वो भदैनी नाम से आज विख्यात है। सुपार्श्वनाथ भगवान का स्थान है, वहां पर उनके कल्याणक हुए हैं। और श्रेयांसनाथ भगवान का जो स्थान है सारनाथ, श्रेयांसनाथ सारनाथ, अभी सारनाथ के नाम से विख्यात हो, श्रेयांसनाथ भगवान की भूमि है। तो चंद्रप्र भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान और यहां जो वाराणसी में जहां पार्श्वनाथ भगवान जी का स्थान है उसका भी नाम बड़ा सुंदर है जी, क्या नाम है? भेलूपुर। वाह, हम 4 महीने वहां रुके हैं और वहां भी भक्तामल की वाचना हुई हुई थी और वहां तो विद्वान लोग थे तो विद्वानों के सामने हम बोलते थे, बहुत सावधानी से बोलते थे और हमेशा ही हम तो कोशिश करते हैं कि हम सावधानी से ही बोले, परोक्ष प्रत्यक्ष केवली भगवान के तो प्रत्यक्ष ही है ना,
उनसे छुप कर थोड़ी बोल सकते हैं कुछ भी। तो ऐसे चार तीर्थंकरों की भूमि है वाराणसी। अयोध्या पांच तीर्थंकरों की भूमि है, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान और अन्य भी तीर्थंकर वहां पर हुए हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारी भूमियां हैं। तो उन स्थानों की भाषा इनकी बाल्यकालीन मातृभाषा रही, और दिव्य ध्वनि में भी उसका रहता है सर। तो इसमें एक प्रश्न था कि ये अतिशय देवोपनीत कैसे है, क्योंकि सबने यही सुन के रखा है कि नहीं, भगवान की वाणी ही अपने आप ऑटोमेटिक सब भाषाओं में कन्वर्ट हो जाती है, पर यहां पर 14 अतिशयों में बोल रहे हैं कि नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होती। भगवान की वाणी में क्षमता होती है परिवर्तन की, लेकिन परिवर्तन करने में इन मागध देवों का योगदान अवश्यम भावी है। ऐसा कैसे? तो बोलते हैं, मगध देव सन्निधाने तथा परिणतया भाषया संस्कृत भाषया प्रवर्तते। भाषन्ते न्योन्यं मित्रतया च वर्तन्ते द्वावतिशयो। मगध देवों के कारण 2 अतिशय हो जाते हैं। कौन से 2 होते हैं? देखिए, मगध देवों के सन्निधान में संस्कृत भाषा उस भाषारूप परिणमन करती है, इसलिए अतिशय का देवोपनीत पना सिद्ध हो जाता है। संस्कृत भाषा भी उसमें प्रधान रूप से है दिव्य ध्वनि में। सब जनता में मैत्री भाव होता है, अर्थात समस्त जन समूह मागध और प्रीतिंकर देवों के अतिशय वश मागधी भाषा में बोलने लग जाते हैं और परस्पर में मित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे 2 अतिशय हैं। और फिर एक बड़े सुंदर है 14 अतिशय। देखिएगा, सर्वर्तूनां फलग्लुच्छाः प्रवाला पुष्पाणि च भूमौ तरवो भवन्ति। सारी धरती पर जहां पर भगवान विराजमान है और वहां पर उनका आवागमन हो रहा है, भगवान का जहां पर विचरण हो रहा है, वहां पर सब ऋतुओं के फलों के जो गुच्छ हैं, जिनको अपन आज हिंदी में गुच्छा बोलते हैं, गुच्छे हैं, वो उन वृक्षों पर उग आते हैं। और प्रवालाह, नए पत्ते, प्रवाल का अर्थ नए पत्ते, क्योंकि थोड़े लालिमा होती है, और प्रवाल शब्द का अर्थ है मूंगा। तो जो नए पत्ते उगते हैं ना, आम के पेड़ में भी आप देखना और भी पेड़ों में देखना, नए पत्ते जो उगते हैं वो हरे नहीं होते, वो थोड़े लालिमा वाले होते हैं। आप गुलाब के पत्तों में देख लीजिएगा, लाल रंग के होते हैं, तो उनको प्रवाल कहते हैं नवीन पत्तों को। पुष्पाणि च, और सब ऋतुओं के पुष्प भी उन वृक्षों पर आ जाते हैं, उन पौधों पर आ जाते हैं। ये भी एक अतिशय है, देवकृत अतिशय है। और आदर्श तलप सदृशो सदृशी भूमिर मनोहरा रत्नमयी भवति। और एक अतिशय और भी बता रहे हैं कि भगवान जहां होते हैं, तीर्थंकर भगवान, वहां देवकृत एक अतिशय और होता है कि सारी धरती रत्नमयी हो जाती है और धूली कांटे वगैरह सब साफ हो जाते हैं, और इतनी स्वच्छ हो जाती है कि लगता है दर्पण है। जहां इंद्रनील मणि जैसी होगी वहां इंद्रनील मणि का दर्पण लगेगा आपको, जहां पुष्पराग मणि की होगी वहां पर
पुखराज जैसा दर्पण लगेगा आपको, जहां स्फटिक मणि की होगी वहां स्फटिक दर्पण जैसा लगेगा, जहां पर माणिक्य की होगी वहां पर जो मानक रूबी होता है उसके दर्पण जैसा लगेगी। ऐसी ये भूमि सर्व रत्न में हो जाती है और दर्पण जैसी स्वच्छ हो जाती है। वायु पृष्ठत आगच्छति शीतो मंद सुरविश्च, हवा जो होती है सामने से नहीं आती। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए जब निकलते हैं तो सन्मुख की वायु जो होती है वो अशुभ मानी जाती है शकुन शास्त्र में। अगर हवा पीछे से चल रही है और आप उस दिशा में जा रहे हैं, यानी जैसे कोई राजा निकल रहा है युद्ध के लिए या कहीं किसी कार्य को करने के लिए और उसके साथ में ध्वज भी चल रहा है, वो ध्वज राजा जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में अगर फहराने लग जाए तो ये प्रशस्त शकुन है, शुभ चिन्ह है, कार्य सफल होगा। तो वो तभी संभव है जब हवा राजा के पीछे की ओर से बह रही हो, तभी तो राजा की दिशा में ध्वजा जाएगी। और चंद्रमा जो होता है वो सन्मुख हो तो शुभ होता है अथवा दाहिना हो तो शुभ होता है। अब चंद्रमा के जो स्थान बताए गए हैं राशि के अनुसार बताते हैं उसको ज्योतिष शास्त्र में। मान लो किसी को उत्तर से दक्षिण की ओर आना श्रवण बिल्कुल की ओर, तो फिर उसको देखना होगा कि चंद्रमा कौन सी राशि में है। यदि चंद्रमा वृषभ राशि में है, यदि चंद्रमा कन्या राशि में है और यदि चंद्रमा मकर राशि में है, तो फिर ये चंद्र तीनों दक्षिण चंद्र कहलाते हैं। तो जब वो दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करेगा तो हवा पीछे से बहे और चंद्रमा सन्मुख हो तो इसको शुभ शकुन माना जाता है यात्रा का। तीर्थंकर भगवान का जब भी विहार होगा तो हवा पीछे से ही बहेगी, ये देवातिशय है। वायु पृष्ठतः आगच्छति, कैसी हवा रहेगी, वो ठंडी रहेगी, गरम गरम हवा, लू नहीं चलेगी वहां पर, ठंडी रहेगी। और ठंडी का अर्थ इतना ठंडी नहीं कि लोग आकुल व्याकुल हो जाए, जितनी आवश्यक है उतनी ठंड रहेगी और मंद रहेगी, इतनी तेज हवा नहीं रहेगी कि लोगों को कपड़े संभालने पड़े, ऐसे करके सब उड़ने लग जाए उनका सामान, द्रव्य के जो थाल है उसमें से सब सामान उड़ करके कहीं बिखर जाए, ऐसी नहीं होगी, मंद पवन होगी। और सुरभिश्च, वो पवन सुगंधित होगी, वायु जो है खुशबू से युक्त होगी, सुरभित होगी, ये भी एक देवातिशय है। और इसके बाद और कौन सा देवातिशय है, तो कह रहे हैं सर्वलोकानां परमानंदो भवति, सब लोग आनंदित ही रहेंगे उस समय, वहां कोई दुखी नहीं रह सकता। और अगर कोई मान लो भूले भटके कोई दुखी राम पहुंच गया तो वो देवातिशय वश सुखी राम बन जाएगा। इसके उपरांत कौन सा अतिशय है, तो बोल रहे हैं एकम योजनम अग्रे वायो भूमि सम्मार्जयन्ति स्वयं सुगंध मिश्रा धूल कंटक तृण कीटकान कर्करान पाषाणांश्च संप्रमार्जयन्ति। एक योजन तक 13 किलोमीटर तक वायु कुमार देव पूरी भूमि को स्वच्छ कर देते हैं। भगवान जहां पर विहार कर रहे हैं वहां तो एकदम दर्पण जैसी भूमि हो जाती है, लेकिन एक योजन की जो अवधि बता रहे हैं क्षेत्र की, वहां तक जो धरती होती है उसमें न तो धूल उड़ सकती है, न कांटे मिल सकते हैं, न तृण यानी तिनके मिलेंगे, पैर में कभी कभी तिनके भी लग जाते हैं तो वो तिनके भी आपको नहीं मिलेंगे, और कीटकान कीड़े मकोड़े भी नहीं मिलेंगे, करकरान
कंकड़ पत्थर भी नहीं मिलेंगे, पाषाणांश, पाषाण यानी पत्थर भी नहीं मिलेंगे, कंकड़ भी नहीं मिलेंगे, ऐसी देवों के द्वारा व्यवस्था हो जाती है, पूरी धरती साफ हो जाती है। और आज हमने एक बात देखी है, जब हमारा विहार बिहार झारखंड प्रांत में हुआ तो एक बड़ी विचित्र बात हमने देखी, रांची के पास आने पर हमारे पैर में एक कांटा चुभा था, और एक बार कांटा चुभा था ये हमने जानबूझ करके याद रखा, नहीं तो हम ध्यान नहीं देते कितनी बार कांटे चुभते हैं, कितनी बार निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो जो तीर्थंकर की भूमियां थी वहां कहीं भी एक कांटा नहीं मिला हमें, तो ऐसा लगा कि उस समय की जो सफाई हुई थी महावीर भगवान के समय या फिर अन्य तीर्थंकरों के समय, वहां तो 20 तीर्थंकर गए ना शिखर जी में, शिखर जी में पैरों में कभी कांटे नहीं लगते, उसका कारण ये था कि देव लोगों ने उस धरती पूरी साफ कर दी थी उस समय, एक योजन तक पूरी भूमि स्वच्छ हो जाती है, और एक योजन यानी 13 किलोमीटर। फिर स्तनित कुमारा गंधोदकम वर्षंती, देखो कितनी सुंदर बात है, स्तनित कुमार का अर्थ होता है मेघ कुमार, मेघ देवता जिनको कहते हैं ना, ये भवनवासी देवों के अंतर्गत एक भेद होता है, स्तनितम मेघ गर्जितम, मेघ गर्जना को संस्कृत भाषा में स्तनित कहते हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधि द्वीप दिक् कुमारा, तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय में एक सूत्र है, भवनवासियों के 10 भेदों के नाम दिए उसमें, तो उसमें आपने देखा अभी हमने उच्चारण किया वातस्तनितो दधि, वात कुमार यानी वायु कुमार जो अभी अपन ने पढ़ा कि एक योजन की धरती पूरी साफ कर देते हैं। फिर स्तनित कुमार कौन है, मेघ कुमार, स्तनितम मेघ गर्जितम, तो वो सुगंधित बारिश बरसाते हैं, और ऐसी बारिश नहीं बरसाते हैं कि सब लोग बिल्कुल पानी में सराबोर हो जाए, पूरे पूरे भीग जाए और ठंड ठिठुरने लग जाए, ऐसी वर्षा नहीं करते, वो ऐसी फुहार करते हैं। कभी आपने किसी शहर के फव्वारे को देखा हो, उससे कम से कम 20-50 मीटर दूर कोई चला जाए तो अगर हवा चल रही हो उस समय तो फव्वारे के जो बारीक जल कण होते हैं वो उड़ते हुए उतनी दूर आते हैं और ऐसे बालों पर, और कई बार ऐसे रुए वाले जो वस्त्र होते हैं, जो रेशे वाले जो वस्त्र होते हैं उनके रेशों पर ऐसे बारीक 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 वो जल कण लग जाते हैं। जब हमारा बिहार हस्तिनापुर की ओर हुआ था बड़ौद से, तब उत्तर प्रदेश की ठंड का वो अनुभव एक अनोखा अनुभव था, पहली बार ऐसा अनुभव हुआ था। वहां के कुछ लोग बता रहे थे, डॉक्टर मनीष जैन वगैरह, कि यहाँ की ठंड हड्डियों तक को प्रभावित करने वाली ठंड होती है, इसलिए वहां उत्तर प्रदेश में वो बोल रहे थे कि सवेरे कोई साधु विहार नहीं करते, दोपहर में ही विहार होता है, पर हमने सवेरे विहार किया, तो विहार किया तो पूरा कोहरा, मिस्ट, फॉग, धुम्मस, पूरा कोहरा था, और ऐसे निकलते थे तो पूरे बाल, उन्होंने फोटो खींच करके हमें दिखाया, हमारे बालों की फोटो हमें दिखाया कि देखिए महाराज जी पूरे जल कण भरे हुए थे बालों में। तब लगा कि एक अपेक्षा से, अहिंसा की दृष्टि से, उन जलकायिक जीवों की विराधना न हो तो उस काल में विहार गौण किया जा सकता है, ऐसा मन में है। तो वो देवलोक जो वहां समवसरण में या भगवान के पास में जब विहार होता है भगवान का, तब जीनी जीनी फुहार बरसाते हैं, तो सबको बड़ा अच्छा लगता है, तो सुगंधित जल कण होते हैं वो। पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य में भी केवल पुष्पवृष्टि नहीं होती,
वही स्तनित कुमार देव वहां साथ में गंधोदक वृष्टि भी करते हैं। आप देखिए 33वें काव्य का पाठ करिए भक्तावर के। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्घा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवह पतति ते वच शांत तेरवा। आया ना समझ में? तीसरी पंक्ति में क्या लिखा? गंधोद बिंदु सुगंधित जल के बारीक कण है। बिंदु का अर्थ ऐसा नहीं कि बारिश में पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है, वो नहीं, अत्यंत बारीक कण होते हैं उसके। ये भी एक देवातिशय है, वो तो प्रातिहार्य था, और ये जो बारिश हो रही है विहार के समय और सब समय सर्वत्र, ये देवातिशय है। फिर और वैसे तो देखा जाए तो ये पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य भी देवोपनीत है, बिना देवों के पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य नहीं है भगवान का। कुछ प्रातिहार्य भगवान के देवाश्रित है ना, अपन ने पहले पढ़ा था भक्तावर में, उसमें ये धुंधुबी भी है देवाश्रित प्रातिहार्य है, पुष्पवृष्टि भी है, चामर भी, चामर जो होते हैं ना वो भी देवाश्रित है, ऐसे प्रातिहार्य। अभी तो अपन 14 देवकृत अतिशय पढ़ रहे थे। गंधोदकम वर्षंती स्तनित कुमारा, तो ये मेघ कुमार देव स्तनित कुमार देव गंधोदक की वृष्टि करते हैं। और देवों का एक अतिशय जो भक्तावर स्तोत्र में 36वें काव्य के अंतर्गत बताया गया, उसको उपलक्षण मान करके सभी अतिशयों को ग्रहण कर लेना है, लेकिन उस 36वें काव्य में जो कमल विहार का वर्णन है, भगवान जब तीर्थ विहार करते हैं तो कमल रचना होती है, उसको कमल विहार कहते हैं, तो वो भी देवकृत अतिशय है। वो कैसे होती है रचना, उसका वर्णन अपन ने वैसे तो भक्तामृत में पढ़ा था, यहां पर पुनः अपन देखेंगे 14 अतिशयों के अंतर्गत। अभी आज अपन इतना ही रखते हैं। आज क्या हुआ कि थोड़ा विलंब इसलिए हो गया कि माता जी से कोई चर्चा हो रही थी, ज्ञानमती माता जी के यहाँ पर कोई एक विषय चल रहा था समय पाहुड़ ग्रंथ का, और फिर उनसे वार्तालाप में थोड़ा समय लग गया, 8:29 तक के वार्तालाप चला था। वर्तमान में जो उपलब्ध साधन है उनके माध्यम से वार्तालाप हुआ था, तो इसलिए विलंब हो गया। तो आज अपन इतना रखते हैं। कितने अतिशय हो गए? एक सारवार्ध माधवी भाषा, दूसरा सब जीवों में मैत्री, तीसरा सब ऋतुओं के फल पुष्प और प्रवाल, फिर चौथा धरती दर्पण के समान हो जाती है, रत्नमयी हो जाती है, पांचवा वायु पीछे से आती है, छठा सब लोगों को बड़ा आनंद होता है, सातवा एक योजन तक की भूमि स्वच्छ हो जाती है, आठवां मेघ कुमार लोग गंधोदक की वृष्टि करते हैं। अब 6 अतिशय और बाकी है, उनको अपन फिर देखते हैं। जैनम जय दुशासनम। अब नमो और अहंताणम बोलने में कितना अंतर पड़ गया, देखो इतना सब सुनने के बाद समझने के बाद अब अपन नमो और अहंताणम बोलेंगे तो कैसा लगेगा, अपन किनको नमस्कार कर रहे हैं, अद्भुत लगता है। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन राज महम्य जे जिन गृहे जिन शास्त्र महम्य जे जिन गृहे मुनि राज महम्य जे। ओम राम ह्रीं रूं रौं रः अस्यावसा देवशास्त्र गुरुभ्यो नर्घ्य पद प्राप्तैर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जयम जय दुशासन। जो प्रश्नोत्तर होंगे तो रिकॉर्ड कर लेंगे।
कोटि कोटि नमन वंदन, कोटि कोटि इच्छा महाराज जी, कोटि कोटि इच्छा महाराज जी। इस सात अक्षरों के अतिशय को तो हमने देख लिया, अत्यधिक अतिशय है महाराज जी। हम अपने जूम पे भी जब ध्यान करवाते हैं सबको हीलिंग देने के बाद, तो इन्हीं सात मतलब नौ आराधनाओं से सुरक्षा चक्र बनवा के और इन सात अक्षरों का